हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत पे आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हमारे भारत ने आर्मेनिया को अपने एरिया में हर एक वेपन को ट्रैक और पता लगाने के लिए हमारे स्वदेशी स्वाथी वेपन लोकेटिंग रडार को डिलीवरी करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर मद्रास से बेसिड पाकिस्तान हमारे ये टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, मतलब पाकिस्तान अपने 22 करोड़ आवाम के लिए 10 लाख कोरोना वैक्सीन खरीद के लिए सोचने वाले हबल टेलीस्कोप को यहाँ से स्पेस तक भेजने वाले पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तानी साइंस मिनिस्टर खुद कहते हैं, और खुद का टेक्नोलॉजी पे एक सुई डेवलप नहीं कर पाने वाले ये पाकिस्तानी दुनिया के आईटी टेक्नोलॉजी को लीड करने वाले हमारे देश भारत के हाई एडवांस वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति के ऊपर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया है। सो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर किए बात करेंगे और हमारे स्वाति रडार के कैपेबिलिटी के साथ साथ पाकिस्तानी घटिया टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सूत्रों के अनुसार हमारे भारत ने आर्मेनिया को अपने एरिया में हर एक छोटे बड़े वेपन को ट्रैक और पता लगाने के लिए हमारे इंडिजिनस स्वदेशी हमारे देश में डेवलप किया हुआ स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार को डिलीवरी करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, और ये स्वाति रडार को डिलीवरी करने के लिए 2020 में 40 मिलियन USD के तहत आर्मेनिया के साथ हमारे भारत ये रडार डिलीवरी डील किया था। और यह हमारे स्वाति रडार को आर्मेनिया तक डिलीवरी करने के लिए यहाँ पर रशियन एयरक्राफ्ट आंटोनोव 12400 बेंगलुरु में उतारा था। हालांकि ये रशियन एयरक्राफ्ट है, लेकिन आर्मेनिया इसे खरीद के अपने आर्म फोर्सेस में इस्तेमाल कर रहा है। और फ्रेंड्स, जैसा हमें अभी पता है कि नागरोनो और करबक के विवादित एरिया को लेकर अभी जैसे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे संघर्ष के समय ये रडार हमारे भारत के तरफ से आर्मेनिया को डिलीवरी किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर आर्मेनिया हमारे स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार को डायरेक्ट अजरबैजान के खिलाफ ही व्यवहार करेगा। जी हाँ, और यहाँ पर हमारे स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का खासियत यह है कि ये किसी भी आर्टिलरी को 2-30 किलोमीटर दूर से पता लगा सकता है। जी हाँ, और रॉकेट को 40 किलोमीटर दूर से और मोटर को 2-20 किलोमीटर दूर से ये डिटेक्ट कर सकता है और पता लगा सकता है। और अभी पूरे दुनिया के नज़र ये आर्मेनिया के ऊपर है। जी हाँ, ये आर्मेनिया को अभी देखा जा रहा है कि ये आर्मेनिया कहाँ कहाँ से हथियार अभी लेता है। तो ये जो देश से हथियार खरीदेगा वही देश का वेपन यदि आर्मेनिया के साथ जाता है तो ये वेपन का वैल्यू रहेगा। जी हाँ, और अन्य देश भी ये वेपन को खरीदेंगे। मतलब यहाँ पर हमारे इंडियन टेक्नोलॉजी बेस्ड वेपन का वैल्यू पूरा दुनिया में रहेगा। तो इसे देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा फैला दिया गया है। जी हाँ, और यहाँ पर मद्रासा बेसिड पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपोगंडाज ये है कि हमारे स्वाति वेपन लोकेटिंग सिस्टम में जो रडार को इस्तेमाल किया जाता है ये रडार थोड़ा कमज़ोर होता है, ये पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है, जो कि हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है। जी हाँ, और हमारे डिफेंस अपडेट भारत की तरफ से पाकिस्तानी मद्रासा बेसिड मीडिया को ये जवाब है कि हमारे ये स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए हमारे DRDO के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट LRDE और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से कोलाबोरेशन में जॉइंटली में हमारे भारत में इसे डेवलप या मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और मद्रासा टेक्नोलॉजी बेसिड पाकिस्तानी यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसे हमारे DRDO और LRDE के तरफ से डिजाइन और डेवलप किया गया है। मतलब टेक्नोलॉजी को यहाँ पर ये दोनों कंपनियों ने विकसित किए हैं और इसे मैन्युफैक्चर और तैयार करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को यहाँ पर कहा गया है। मतलब देखो पाकिस्तानी, ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ना, पूरा पाकिस्तान में ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है ना। और अभी दुनिया भर के सोशल मीडिया पे ये DRDO, LRDE और हमारे BELK के तीनों कंपनियों के बैकग्राउंड के बारे में चेक करो और पाकिस्तानी तुम्हें ये जरूर पता लग जाएगा कि हमारे देसी कंपनी का कैपेबिलिटीज क्या है। और अभी पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरा सन्नाटा छा गया है और पाकिस्तानी हैंडसम प्राइम मिनिस्टर अपने घर में बैठ के अपने स्टाफ के साथ बैठ के ये सोच रहा है कि कैसे भारत से कोरोना वैक्सीन लाया जाए। चिंता मत करो पाकिस्तानी, हम दयावान है, आपके पास ये कोरोना वैक्सीन भेज देंगे। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक कैसा करते हैं, टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा का एक बड़ा थम्स अप दीजिए। डिफेंस अपडेट भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।